हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला। तो इसमें अभी तक हम लोग 20 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 21वां टेस्ट है। याद रखिए, आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित टेस्ट लगा रहे हैं, जो वो सभी जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। तो चलिए, 21वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बारदोली छीड़ा असम के स्थानीय तूफान है, ये जूट की खेती के लिए उपयोगी है। सही है। केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा को प्रयाम्य वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करता है। ये भी सही है। नॉर्वेस्टर्स स्टॉर्म्स का स्थानीय नाम कालबैसाखी है। ये भी सही है। तो पहले का आपका तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दूसरा। क्या है क्वेश्चन दूसरा? क्वेश्चन है दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, विचार करना है। इसमें इसके आगमन के दौरान ITCZ उत्तरी उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र से प्रत्यावर्तित हो जाती है। सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आद्य वायु प्रवाह सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के माध्यम से नहीं होता है। ये आपका गलत है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय अवदाबों को बढ़ा देती है। ये भी आपका गलत है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, लिया करिए। क्या पूछ रहा है, सही है या नहीं? जैसे अगर इसमें पूछता सही है तो इसमें केवल एक सही होता, लेकिन इसमें पूछा है सही नहीं है, तो आपका दो और तीन कथन सही होगा। इसमें आखिर दो और तीन में सही क्या होगा? जैसे गलत है, इसमें सही भी तो होगा कुछ। ITCZ एक निम्न दाब क्षेत्र होने के चलते अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी दिशा से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती है। यही वे आद्य वायु राशियां हैं जिन्हें आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है। तीसरे में होगा आपका पूर्वी जेट धारा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट धारा भारत में उष्णकटिबंधीय अवदाबों को लाती है। ये अवदाब भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसूनी वर्षा के वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अवदाबों का मार्ग वही क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये अवदाब जिन्हें बारंबारता के साथ भारत में प्रवेश करते हैं, उनकी दिशा और तीव्रता पूरी दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा के पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो दूसरे में आपका कथन दो और तीन गलत होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है? जब भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शरद ऋतु के मध्य एक कमजोर उच्च दाब विकसित होता है, ऐसी स्थिति में मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुष्क हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होंगी। ये सही है। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा। ये भी सही है। दिन के समय झुलसाने वाली हवा बहेंगी, जिसे स्थानीय रूप से जिसे हम लोग लू कहते हैं। नहीं, ये गलत है। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होगी। ये भी आपका गलत है। इसमें केवल एक और दो कथन सही होगा आपका। गर्म मौसम की एक प्रमुख विशेषता लू है। ये तीव्र गर्म शुष्क हवाएं जो उत्तरी भाग में भारत में दिन के समय चलती हैं, कभी कभी वे देर शाम तक भी चलती हैं। गर्मी का मौसम स्थानीय तूफानी हवाओं का मौसम भी है। यह तेज हवाओं, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश का मौसम भी है। पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। ठीक है।
तीसरे का आपका ए ऑप्शन होगा, एक और दो कथन सही हो। क्वेश्चन है चार, क्या है चार? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जा गया है? तो इसमें याद रखना कोपेन पद्धति का। क्या है? कोपेन पद्धति का। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान और वर्षा के मासिक मानों पर आधारित है। उसने जलवायु को पांच प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जिनके नाम है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पांच। क्या है क्वेश्चन? है पांच, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ये आपके जलवायु है और क्षेत्र है। क्या है? जलवायु क्षेत्र है। सही सम्मिलित देखना है इसमें हमें। शुष्क शरद ऋतु के साथ मानसून गोवा के दक्षिण, भारत का पश्चिम तट। गलत है। उष्ण कटिबंधीय सवाना उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब। ये सही है आपका। शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसून तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ये भी आपका गलत है। छोटी ग्रीष्म ऋतु के साथ आद्य शीतकाल, ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ये भी आपका गलत है। यानी कि आपका पांच में केवल दो सही है। क्या है? दो सही है केवल। अल्प अल्प शुष्क ऋतु के साथ मानसून गोवा के दक्षिण भारत का पूर्वी तट। मानसून के साथ शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु कोरोमंडल तट, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग एवं कर्क रेखा के दक्षिण में, अर्ध शुष्क स्टेपी उत्तर पश्चिम गुजरात, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं, चरम गर्म मरुस्थल, इसमें आपका पश्चिमी राजस्थान शामिल है, मानसून के साथ शुष्क शरद ऋतु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और अधिकांश पूर्वोत्तर, छोटी ग्रीष्म ऋतु के साथ आद्य शीतकाल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश शामिल है, ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें क्या था आपका? केवल दो सही था। क्वेश्चन है हमारा छठवा। क्या है? कार्तिक मास। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध आपका है मानसून का निवर्तन। क्या है? मानसून का निवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन है सात। क्या है सात? क्वेश्चन है मानसून विच्छेद की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सातवां क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद या 4-5 दिनों तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून का विच्छेद कहा जाता है। ये आपका गलत है। पवन की दिशा में परिवर्तन मानसून विच्छेद का एक कारण है। ये आपका सही है। तो इसमें केवल दो कथन सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है तो इसे मानसून में व्यवधान कहते हैं, ना कि विच्छेद। क्या कहते हैं? व्यवधान। वर्षा के मौसम में ऐसी सुस्त अवधि का होना बेहद सामान्य है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था। सात का केवल दो। क्वेश्चन आठ। क्या है क्वेश्चन आठ? चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? यह आपका नॉर्वेस्टर का। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका क्या है? क्वेश्चन नौवा। दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना? विचार करना है। अराकान की पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी की शाखा के बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर
विच्छेपित कर देती हैं। ये आपका सही है, क्या है, सही है। क्वेश्चन है, सॉरी कथन है दूसरा, इस ऋतु में तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है क्योंकि यह अरब सागर के बृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। यह भी आपका सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही है। नौ का होगा आपका सी, क्वेश्चन नौ का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 10, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, क्या है, सही कथन चुनना है। इसे ऊर्जा की प्राप्ति उष्ण आद्य वायु के संघनन विक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है, सही है। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच कोरियोलिस बल इसे उत्पन्न होने से रोकता है, यह आपका गलत है। इसमें एक गर्म एवं बादल रहित केंद्र होता है जिसे हम लोग चक्रवात की आंख कहा जाता है, ये सही है आपका। 1 और 3 कथन सही है इसमें, ठीक है, क्या है, 1 और 3 सही है। मजबूत कोरियोलिस बल जो केंद्र पर निम्न वायु दाब को रोक सकता है, यह भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को रोक देती है, ठीक है, याद रखना। 1 और 3 सही है, 10 में 1 और 3 सही है। क्वेश्चन है 11, क्या है 11, निम्नलिखित में से कौन सा तूफानी महोर्मी का सर्वोत्तम वर्णन है, तो याद रखना, तेज चक्रवातों के कारण समुद्र स्तर में असामान्य वृद्धि, ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन है हमारा 12, क्या है क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, सही सम्मिलित देखना है, सूखे के प्रकार का प्रकार विवरण, जल विज्ञान संबंधी, अपर्याप्त वर्षा के साथ इस उसका असमान वितरण, गलत है। मौसम विज्ञान संबंधी, मृदा में आर्द्रता की कमी के कारण फसल ना हो पाना, ये भी आपका गलत है, यानी कि इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। शब्द सूखा का प्रयोग अपर्याप्त वर्षा, वाष्पीकरण की उच्च दर और जलाशय एवं अन्य संग्रहों जिसमें भूजल भी शामिल है कि अत्यधिक मात्रा में प्रयोग के कारण उत्पन्न लंबे समय तक जल की कमी के लिए किया जाता है। सूखे के प्रकार होते हैं मौसमी विज्ञान सूखा, कृषिगत सूखा, जलीय सूखा और पारिस्थितिकी सूखा, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें था आपका डी, 12 में डी। क्वेश्चन है 13, क्या है क्वेश्चन 13, चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, यह आपका गलत है। चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में की विपरीत होती है, ये सही है। पश्चिमी प्रशांत में इन्हें टाइफून और वेस्ट इंडीज में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। यानी कि 13 में आपका 2 और 3 कथन सही है। चक्रवात एक तूफान या हवा की प्रणाली है जो कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमता है। ये उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो 13 में आपका सी था, कथन 2 और 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 14, वर्षण प्रतिरूप और सूखा पर निम्नलिखित में से किस घटना का प्रभाव हो सकता है, किन घटनाओं का प्रभाव हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, इनसो दोनों का, तो आपका 14 में दोनों होंगे सही, क्या होंगे, दोनों सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 15, क्या है क्वेश्चन, वर्षण के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। जब तापमान 0 डिग्री से कम हो तब हिम के सूक्ष्म कणों के रूप में वर्षण होता है, इसे बर्फबारी के नाम से जाना जाता है, सही है। सहित वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं, ये भी आपका सही है।
यानी कि 15 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 16। क्या है 16? क्वेश्चन 16, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और सही सम्मिलित देखना है। ये आपके मेघ हैं और इनकी विशेषताएं। पच्छाव, ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये आपका सही है। कपासी में ये रुई के समान दिखते हैं और ये छितरे हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं। ये भी सही है आपका। स्त्री बाल में ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ये भी आपका सही। वर्षा मेघ एक काले या गहरे या स्लेटी रंग के होते हैं, सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 16 में आपका चारों कथन सही है। क्या है? चारों कथन सही है। पच्छाव मेघ या पच्छाव बादल, ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। कपासी मेघ आपके रुई के समान दिखते हैं। स्त्री मेघ मेघ ये आपके परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। वर्षा मेघ एक काले गहरी स्लेटी रंग के होते हैं, ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। कौन से? वर्षा मेघ। ठीक है, क्वेश्चन है 17। क्या है 17 क्वेश्चन? चक्रवातों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार एक बड़े क्षेत्र में होता है, साथ ही इनकी एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है। यह आपका गलत है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वायु की गति ज्यादा तेज और अधिक विनाशकारी होती है। ये आपका सही है। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये भी आपका सही है। यानी कि 17 में 2 और 3 कथन सही है। पहला कथन आपका जो गलत है इसमें सही होगा। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भिन्न विभिन्न तरीकों से भिन्न होते हैं। वही उष्ण कटिबंध चक्रवातों के पास एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। 17 में आपका 2 और 3 था, यानी कि डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 18। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन से वर्षण के प्रकार हैं? कौन से वर्षण के प्रकार हैं? बर्फबारी वर्षण का प्रकार नहीं है, ओलावृष्टि ये भी नहीं है, संवहनीय ये है आपका, तुषारपात ये भी नहीं है, चक्रवाती ये भी आपका। इसमें होगा 2 सॉरी 3 और 4। 18 का क्या हुआ? 3 और 4। वर्षण के प्रकार इस प्रकार हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, केवल 3 और 5। क्वेश्चन है हमारा 19। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में कौन सी वायुमापी में अचानक गिरावट को इंगित करती है? तूफानी मौसम। क्या है? तूफानी मौसम। बैरोमीटर एक मौसमी विज्ञान संबंधी उपकरण है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वाले मौसम विज्ञानिकों द्वारा बैरोमीटर का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने में किया जाता है। इसमें यह तथ्य कारगर होता है कि वायुमंडल में कोई परिवर्तन मौसम में होने वाला परिवर्तन है। बैरोमीटर में होने वाली उठान मौसम में सुधार होने का संकेत है तथा बैरोमीटर में गिरावट का अर्थ होता है तूफान। ठीक है, क्वेश्चन है 20। शुरू हुई PCS1X प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, समुद्री आधारित संरचना से। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में से कहते हैं। ठीक है, PCS। क्वेश्चन है हमारा 21। क्या है?
क्वेश्चन है अंतर विषयक साइबर पर राष्ट्रीय मिशन भौतिकी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस मिशन को संचार मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, ये आपका गलत है। इस मिशन का उद्देश्य देश में विनियोग नवाचार केंद्रों तथा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का विकास करना है, सही है। यह मिशन अर्थव्यवस्था में नवाचार एवं स्टार्टअप परिवेश में को बढ़ावा देगा, ये आपका सही है। दो और तीन कथन आपका सही है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, किसने, संचार विभाग ने नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अंतर विषय साइबर भौतिकी प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 3660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित करने की घोषणा की है, ठीक है। क्वेश्चन है 22, इसमें क्या हुआ, कथन दो और तीन आपका सही था। क्वेश्चन है 22, समाचारों में रहा पद बुल सेक्वाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत अधिग्रहित सुपर कंप्यूटर से, 22 का बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन है आपका 23, इको निवास संहिता 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका उद्देश्य घरों के डिजाइन तथा निर्माण में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, सही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, ये भी सही है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये आपका गलत है। इसमें सही क्या होगा, इसे आपका ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ना कि आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, किस द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या था आपका, एक और दो कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित देशों में कहाँ द गिल्ड्स जॉन्स प्रोटेस्ट घटित हुआ है, तो ये हुआ है आपका फ्रांस में, डी ऑप्शन सही है। या कार्बन उत्सर्जन में कटौती के इरादे से फ्रांसीसी सरकार द्वारा आरोपित नया इको टैक्स लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 25, क्या है, सीयर स्वेफ अधिग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसके अंतर्गत अधिग्रहण करने वाली कंपनी अधिग्रहित कंपनी के शेयर धारकों को उनके शेयरों का भुगतान करती है, ये सही है। शेयर स्वेप प्रणाली के अंतर अधिग्रहित कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पूर्ण जोखिम वहन किया जाता है, गलत है। शेयर स्वेप में किसी भी पक्ष का नकद व्यय शामिल नहीं है, ये आपका सही है। केवल दो कथन आपका गलत है। अधिग्रहित कंपनी के शेयरधारक भी विलय की गई इकाई के शेयरधारक होंगे, परिणाम स्वरूप विलय से अपेक्षित सहक्रियता के जोखिम व लाभ दोनों पक्षों द्वारा साझित किए जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था, 25 का क्या था, एक और तीन कथन सही था, ठीक है। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है।